चैनल डिंग डोंगल्स, मैं अभी पूजा। तो गाइस आज हम आए ब्रह्मपुत्र मार्केट नोएडा, और यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो आप। यहाँ पे बहुत सारी डिशेज हैं, और तो उसमें से हमने चूज़ करा है बटर मसाला छोले कुलचे, और आज हम इसी का चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस आप देख सकते हैं ये मसाला वाला जो कुलचा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री में चाहिए होता है अनियन मिर्ची, और फिर उसके बाद ये छोले कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। आप देख सकते हैं टमाटर और अनियन और धनिया की कितनी अच्छी इसमें गार्निशिंग है। और ये बटर मसाला कुलचे आपको पता चल रहा होगा कि कुछ अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ है, सेकते हुए इसको मसाले में सेका गया, तो इसलिए इसमें कुछ अलग है। और फिर ये तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, साथ में ले ली हमने, खाने में आसानी होगी जल्दी जल्दी। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो अभी जाइए फॉलो करिए डिंग डोंग गर्ल 08। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट जाइए, हमें फॉलो करिए और हमारी रिसेंट एक्टिविटीज से अपडेटेड रहिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि चैलेंज बहुत डिलीशियस चैलेंज, और फिर उसके बाद उतनी फनी और वियर्ड पनिशमेंट होती है हमारी, तो पनिशमेंट किसे मिलेगी ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, इस वरना आपसे हमारा डिलीशियस चैलेंज और फनी से पनिशमेंट मिस ना हो। सो गाइस हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग वाउ स्किन साइंस मोरोक्कन हेयर ऑयल, and this hair oil is very very effective because I have used it, and argan जो होता है basically बहुत ज़्यादा healthy होता है बालों के लिए, जो आपके dull hairs और thin hair होते हैं उनको thick करता है। और hair oil लगाना बालों में बहुत ज़्यादा necessary होता है, क्योंकि बाल भी एक तरह पेड़ की तरह होते हैं, and we need to water them as the same, बालों को भी ऑयल की ज़रूरत होती है। एंड इट्स अ नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, मतलब आपको बिल्कुल भी लगाने के बाद चिपचिपा फील नहीं होगा, और फिर उसके बाद ये आपके थिन हेयर, डल हेयर और अनमैनेजेबल हेयर्स को भी मैनेज करता है। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि वाओ के प्रोडक्ट्स प्योर वेगन होते हैं, बिल्कुल भी नो सिलिकॉन्स एंड नो मिनरल्स ऑयल एडेड। एंड गाइस ये है मोरक्कन ऑर्गन ऑयल का फॉर्मिंग फेस वॉश है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी जो स्किन को होता है डीप क्लीन करता है, और स्किन में जो मॉइस्चराइज सॉफ्ट सॉफ्ट फील कराता है। फेस वॉश का जो ब्रश है देखिए आप, ये सिलिकॉन ब्रश होता है जो कि आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छे से मसाज करता है। लाइक इसको आपको ऐसे प्रेस करना है तो उससे निकल कर आएगा, एंड देन आपको उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम बहुत अच्छे से तेज हो जाता है और आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो गाइस ये नॉर्मल पंप बॉटल है, जिससे कि इट्स वेरी इजी टू यूज़, कि आपने डायरेक्ट इसे खोला और आप जिस एरिया में अपने ऑयल को डालना चाहते हो डायरेक्टली डालिए, और बहुत आसानी से मसाज करिए, और एक दिन से ज़्यादा ऑयल को नहीं रखना चाहिए बालों में। और गाइस ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ऑल स्किन टाइप होते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस ऑयल इज ऑल हेयर टाइप, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप एक बार यूज़ करिए और आप फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। और गाइस एक और प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको, ये है रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर सीरम। सीरम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है आपके हेयर्स को, और मॉइस्चराइज बहुत ज़रूरत होता है हेयर्स के लिए। तो आपको पता है कि रेड अनियन अनियन बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड इट्स इवन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नो पैराबेंस मिनरल एंड सिलिकॉन, मतलब प्योर 100% प्योर, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके बालों के लिए। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि वाओ के प्रोडक्ट्स ट्रूली मेड इन इंडिया होते हैं, 100% ऑथेंटिक होते हैं, जो आप इनके बॉक्स पे QR कोड दिए हुए होते हैं उनको स्कैन करके आप आसानी से इनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब वाओ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मतलब नियर बाय योर स्टोर्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको ट्राई करने हैं तो उन पर क्लिक करिए, अपने प्रोडक्ट्स खरीदिए और ट्राई करिए। तो जिससे पहले हमारे छोले कुलचे ठंडे हो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, गो। बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में, सीरियसली।
गाइज मैं जीत गई हूँ इतने डिलीशियस छोले कुलचे, बटर मसाला छोले कुलचे खा के, और बस एक सिप से रहेगी बेचारी हमारी पूजा। लेकिन गाइज हमारे बटर मसाला छोले कुलचे बहुत डिलीशियस थे, जो कुलचे मसाले वाले थे उनका खुद में एक टेस्ट और फ्लेवर आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और उसमें इतनी मैंने स्प्राइट पी, अभी मोई तो भी है तो इट हैपेंस। और गाइज जो छोले थे उसमें जो गार्निशिंग की गई थी लाइक टमाटर की, धनिया की, बहुत सारी, उसमें से हमने जो नींबू डाला था ऊपर से उसका फ्लेवर सीरियसली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था वो जब खा रहे थे ना मसाले वाले कुलचे के साथ। और गाइज जो छोले थे वो अच्छे से पके हुए थे, बहुत ज़्यादा उनका फ्लेवर और डिलीशियस बहुत अच्छे लग रहे थे बेसिकली। और फिर उसके बाद तो जब चैलेंज जीत जाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब आती है पनिशमेंट की बारी। तो आर यू रेडी पूजा? अनफॉर्चुनेटली पनिशमेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम उसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी। आई जस्ट कैन इमेजिन यू। वाओ, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। इमेजिनरी क्लाउड होगे और मैं पूजा को देख रही हूँ वो करते हुए। तो गाइस हम वेट क्यों करते हैं, जल्दी चलते हैं पनिशमेंट की तरफ। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाइए फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करिए। हमारा यूजर नेम है DingDongGirl08 और हमारी लेटेस्ट एक्टिविटीज से अपडेटेड रही है। और हम आ गए हैं अपने पार्क वाले एरिया में, क्योंकि वो पनिशमेंट यही अच्छी लगेगी, एकदम सूटेबल। पूजा ने ग्रीन ऑलमोस्ट टर्कस ब्लू ग्रीन पहने, जो भी पहने व्हाटएवर, बाल ऐसे बनाए कि वो बिल्कुल मतलब क्या है तुम्हारा, बाल ऐसे बनाए हैं, कपड़े ऐसे पहने हैं, मैं बताती हूँ। तो पूजा आपको आज बनना है मेंढक। मेंढक? यस, सीरियसली मेंढक। तो मेंढक बनना नहीं है, सिर्फ एक्चुअली सिर्फ चलना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक एरिया है, मतलब स्लैप वाला एरिया है बेसिकली पार्क में। तो इस वाले पेड़ से पूजा आपको एक इसी के आगे जो पेड़ है वहां तक जाना है और फिर वहां से वापस आना है मेंढक की तरह जंप करते हुए। समझ आया? समझ मतलब आया। इतनी सी जगह में तुम्हें बैलेंस करना है अपने आप को, मेंढक की तरह उछलना है और आवाज भी निकालनी है मेंढक की, टर टर ऐसे करते रहो। ऐसे बैठते, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल, एक पोजिशन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ऐसे जंप करना है फिर, और गिरना नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गिरना नहीं है। आवाज निकालनी है, टर टर। चलो मुझे स्टीव चाल कांटी रही हूँ। ओके रेडी, आगे रेडी, 3 2 1 गो। टर हंसना नहीं है, ये हंस रही हो तुम, आवाज में मिसमैच हो रही है। ओके टर गिरा नहीं है, आराम से जरा पैरों पे भी ध्यान दे अपने। सॉरी, यस, ये मेरा मेंढक था, पेट, मैंने मेंढक पाला है। यू आर फ्री। ओह गॉड, दो से बाजी वालों टर चाहिए कि तो तारू की बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। आई हैव नो प्रॉब्लम, यस, वेरी गुड। थोड़ा सा बचा, बस दो 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 जम। हाँ, ऐसी हाथ रख के कूदोगी तो मेहनत कम लगेगी। वैसे वो ऐसे ही कूदता है, तो मैंने मना करा था कि ऐसे मत कूदो। बस वापस चलो। ओ, सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है। गॉड गाइस सीरियसली, थोड़ा और, एक जंप बचा, एक जंप बचा। ओके टर, वेरी गुड। अब तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मम्मा खड़ा तो हुआ जाएगा नहीं तुमसे। गाइज आपने ऑब्जर्व करा, पूजा जब ऐसे जंप कर रही थी तो उसके बाल भी ऐसे ऐसे आ रहे थे ऐसे। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है, एक तो मेरे को सांस नहीं आ रही है और दूसरा मेरे पैरों की ना बैंड बज गई है। तो गाइज मेरे को तो बहुत मजा आया पूजा द मेंढक के साथ, इसने बहुत ही अच्छे से एक मेंढक का किरदार निभाया। सीरियसली जब वो मैं टर टर की आवाज़ निकाल रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं कोई गाना गा रही हूँ। गाना गा रही हूँ मैं।
तुम्हारा इसी आवाज में गाना रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो गाइज आई होप कि आपको हमारी ये पनिशमेंट और डिलीशियस चैलेंज पसंद आया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइज, वरना आपसे हमारी यम्मी सा चैलेंज और पनिशमेंट बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।